हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गुडलक ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल है रेगिस्टार, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। नए अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए आगे आपके बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ रेगिस्टार के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा रेगिस्टार ऐप का नया अपडेट। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो आप गुडलक ऐप में भी जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये नया अपडेट आया है। नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 6 मार्च 2023, मतलब आज के दिन इसको रोल आउट किया गया, जिसका वर्जन नंबर है 1.0.36। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या नए चेंजेस किए गए। यहाँ पर दो नए चेंजेस किए गए हैं, एड अ सेंसिटिव ऑप्शन ऑफ बैक टैपिंग फंक्शन और सपोर्ट अ बैक टैपिंग फंक्शन ऑन फोल्ड डिवाइस। अगर आपके पास फोल्ड डिवाइस है तो आपको इसका सपोर्ट मिल लग जाएगा। और एसेंटिफिट जो सेंसिटिव ऑप्शन दिया गया, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो उसको कर लेते हैं फर्स्टली अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं बताता हूं उसमें कैसे इसका सेंसिटिव वाला जो ऑप्शन है इसका यूज कर पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है डाउनलोड, अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद यहां से ओपन नहीं होगा। इसको ओपन करने के लिए आपको जाना है अपने मोबाइल के गुडलक वाली ऐप में जाना होगा। तो आपको गुडलक वाली ऐप को यहां पर ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे करने के बाद आपको जाना है यहां पर रजिस्टर वाली ऐप में, ये आपको दिख रही होगी, आपको उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, सेंसिटिव वाला एक स्लाइडर आपको नीचे मिल रहा होगा। आप जाएंगे यहाँ पर बैक टैप में तो आपको यहाँ पर स्लाइड वाला जो ऑप्शन मिल रहा है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ऐसा है, मान लो आपने इसको लगा के रखा और मैंने इसको लो पे कर दिया तो मुझे यहाँ पर बहुत तेज तेज करना पड़ेगा तो जाके वो फंक्शन काम करेगा। और ऐसे ही अगर आप इस पे गए हो बैक टैप में, बैक टैप में जाने के बाद आपने इसको हाई पे कर दिया तो आप लो में भी चलाओगे तो भी ये काम करने लग जाएगा। तो मेन चीज ये है कि जितना लो पे रखोगे उतना तेज आपको यहाँ पर टैप अप करना पड़ेगा, और जितना हाई पे रखोगे उतना कम आप उसको यूज कर पाएंगे। तो मेन उसका यूज ऐसा है। तो इस तरीके से आप ये सेंसिटिव वाला फीचर को यूज कर पाएंगे, जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। और अगर आपको नहीं पता है कि इसको यूज कैसे करते हैं और ये वाला ऐप में क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप उसको जरूर देखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूलें। यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।